Dear students I welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number two to eight and we are going to discuss the prudence trap when we talk about prudence trap obviously we are concerned logically and rationally with our own self we want to see we want to approximate ourselves and we want to think rationally you have to be very much careful prudence trap

क्या एवेलूएशन वो कर रहे हैं इसके अलावा एक और तरीका टू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रैप हैं कि मैक्सिमम क्या होगा उस मैक्सिमम को जानना हमारे लिए जरूरी है हम, अपनी के लिए एक वो कर लेते हैं। हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि मैक्सिमम अगर यह होगा तो हमारा रद्द अमल इसके अंदर क्या होना चाहिए

बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टू लेस अगर आपका प्रूडेंस लेवल हो तो वो भी आपको खराब करेगा बिकॉज अपने बारे में अप्रॉक्सीमेशन सही रखना वो बहुत जरूरी है जैसा कि हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि अपना स्वॉट करते रहना चाहिए अपने बारे में जानकारी हासिल करते रहना चाहिए अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस रखनी चाहिए क्योंकि यही चीज इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बुनियाद है और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को लेकर आने के बाद नो डाउट वी हैव टू ट्राई अवर सेल्फ कंट्रोल वी हैव टू ट्राई कंट्रोल्पी मोटिवेशन एंड सोशल इंटेलिजेंस ये तमाम चीजें मिलजुल हमें एक अच्छा लीडर बनने में मदद देंगी और हम इस काबिल हो पाएंगे कि दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ अपने रबते को अपने ताल्लत और मामला को बेहतर तौर वो कर सकें इस प्रूडेंस ट्रैप के बारे में वी हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल रिमेंबर वन थिंग आ ड्रामेटिक एंड ट्रामेट इवेंट इन योर लाइफ न ऑलवेज एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हर किसी की जिंदगी का पार्ट होते हैं we have to be careful कि उन सब को हमने टैकल कैसे करना है और यह सबकी सब, सब चीजें मिलकर हमारी शख्सियत को कैसे डेवलप और कैसे मुतासर वो कर रही हैं। डियर students, अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि वी हैव टू बी केयरफुल इन आवर ओन कॉन्शियसनेस